तो कहानी शुरू होते ही हम एक अमेरिकी बेस कैंप देखते हैं जो अफगानिस्तान में है। आज के दिन किसी मिशन पर नहीं जाना है, सभी सोल्जर्स आज के दिन एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन इस बीच इन लोगों का सार्जेंट गॉबिंस आता है, जो इस सोल्जर से जिसका नाम क्रिस है उसे कहता है कि अपनी टीम को तैयार कर लो क्योंकि तुम्हें कल सुबह एक मिशन पर जाना है और तुम अपनी टीम को लीड करोगे। हालांकि क्रिस कहता है कि उसकी बीबी प्रेग्नेंट है और उसे छुट्टी लेकर उसके पास जाना होगा, लेकिन सार्जेंट कहता है फौज में ये सब चीजें चलती रहती हैं, मिशन सर्वोपरि होता है। दरअसल इन लोगों को अफगानिस्तान के एक गांव पहुंचना है जहां के लोग भूखमरी की कगार पर आ चुके हैं और वहां इन लोगों को खाने पीने का सामान ट्रक में भरकर ले जाना है। गोबिंस क्रिस से कहता है कि तुम्हें रूट नंबर 605 से होकर जाना होगा। हालांकि रूट नंबर 605 काफी खतरनाक रास्ता है और ये जगह तालिबानियों का गढ़ है। हालांकि क्रिस भी जानता था यह रास्ता बहुत खतरनाक है। उसी रात वो अपनी पत्नी से वीडियो कॉल करके उसका हालचाल लेता है। खैर अगले दिन सुबह सभी सोल्जर्स मिशन पर जाने से पहले अपने आप को वार्म अप करते हैं। इसका नाम सोटो है, इस लड़की का नाम एलन है, इस सोल्जर का नाम किटनर है और ये ली है। तो ये टीम रसद का सामान लेकर मिशन पर जाएगी और इन लोगों को लीड करेगा क्रिस। ये लोग निकलने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अब यहाँ सर्जेंट आता है, उसके साथ में एक सोल्जर है जो अफगानी सोल्जर है और इसका नाम खालिद होता है। हालांकि ये अमेरिकी सोल्जर्स किसी भी अफगानी सोल्जर्स को पसंद नहीं करते, लेकिन उनके सर्जेंट का आदेश मानना होगा और उसे भी मिशन पर साथ ले जाना होगा। हालांकि टीम लीडर क्रिस उसे प्रभावित होता है। फिलहाल ये सभी बेस कैंप से निकलते हैं। इनके साथ दो ट्रक होते हैं जिसमें खाने पीने का सामान भरा होता है और दो बख्तरबंद गाड़ियां। एक गाड़ी में सोटो मशीन गन संभालता है और बाकी के सोल्जर्स अपनी अपनी जगह सतर्क और चौकन्ने होते हैं। ये सभी आपस में एक दूसरे से बात करते हुए जा रहे होते हैं। ये तालिबानियों का इलाका था और वह कहीं भी छुपे हो सकते थे। जरा सी लापरवाही सभी सोल्जर्स को मौत की नींद सुला सकती थी। ये लोग लगभग आधा रास्ता नाप चुके थे। इस बीच इन लोगों की गाड़ियों के आगे एक अमेरिकी सोल्जर दिखाई पड़ता है जो उन्हें रोकने का इशारा करता है। वह अपना खुद का नाम फॉक्स बताता है। वह कहता है कि उनकी यूनिट में अब कोई जिंदा नहीं बचा है। दरअसल वह सोल्जर इन लोगों से लिफ्ट मांग रहा था। उनके साथ एक लड़की थी और एक सिपाही था। इस लड़की का नाम अनूस होता है और वह ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती थी। इस लड़की को बचाने के चक्कर में फॉक्स की पूरी टीम तालिबानियों द्वारा मारी गई। क्रिस अपनी टीम के साथ इन लोगों को भी शामिल कर लेता है और वे लोग वहां से रवाना होते हैं। अब ये लोग वहां से थोड़ा ही आगे बढ़े होते हैं कि तभी इन लोगों को कुछ हलचल दिखती है। इससे पहले वे लोग कुछ समझ पाते हैं, उन लोगों की गाड़ियों पर अंधाधुंध फायरिंग होने लगती है। ट्रक चला रहे जवानों को गोली मार दी जाती है, इस वजह से ट्रक खाई में जाकर गिरती है। मतलब उन लोगों ने ट्रक से भरा सामान खराब कर दिया था। शायद वह नहीं चाहते थे कि खाने पीने का सामान किसी भी गाँव पहुंचे। इसके बाद एक तालिबानी RPG से इस गाड़ी को उड़ा देता है। दरअसल ये लोग पत्थर की आड़ लेकर उन अमेरिकी सोल्जर्स पर गोलियां चला रहे थे। तालिबानी उनके सभी गाड़ियों को उड़ा देते हैं ताकि गाड़ी में लगे रेडियो की मदद से ये लोग मदद नहीं बुला सकते थे और ना ही वे लोग यहाँ से निकल सकते थे। अमेरिकी सोल्जर्स तालिबानियों से बड़ी ही बहादुरी के साथ लड़ते हैं। एक तालिबानी सोटो को पीछे से गोली मारने आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी ली उसे आते हुए देख लेता है और वह जाकर उनकी तरफ चलने वाली गोली को अपने ऊपर ले लेता है। इसके बाद वहाँ पर जितने भी तालिबानी थे उन सबको बड़ी ही बहादुरी के साथ मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन ली यहाँ पर जख्मी हालत में पड़ा हुआ था और वह अपना दम तोड़ देता है। उसके साथ उस सोल्जर की भी जान चली जाती है जो फॉक्स के साथ था, जो इन लोगों को रास्ते में मिला था। अपने साथियों की मौत पर सभी गहरे दुख में होते हैं। अभी क्रिस अपने बाकी साथियों के साथ यहाँ से वापस जाने का निर्णय लेता है, लेकिन फॉक्स उसे बताता है कि हम लोग फौजी हैं और हम लोग पीछे नहीं जा सकते, हमें उन लोगों से लड़ना होगा। इसके बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। इधर सार्जेंट को खबर मिलती है कि उनके पांचों जवान गायब हैं। जॉन्स नाम का यह दूसरा सार्जेंट मैप दिखाकर कहता है कि मेरे जवान इस जगह से गायब हुए हैं और हमें जल्द से जल्द मदद भेजनी है। लेकिन गॉबिंस कहता है कि हमें जब तक निश्चित जानकारी नहीं मिल जाती, हवाई मदद भेजना खतरे से खाली नहीं होगा। इधर ये लोग पैदल अपने रास्ते पर जा रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें एक गोली की आवाज सुनाई पड़ती है। ये लोग पास जाकर एक मकाई के खेत में अपने आप को छुपाते हैं और वहीं ठहरकर उन लोगों की लोकेशन के बारे में पता लगाते हैं जहां से गोली चलने की आवाज सुनाई दे रही थी। फॉक्स अपनी दूरबीन से देखता है जहां उसे 700 मीटर की दूरी पर एक स्नाइपर लिए तालिबानी दिखता है। शायद ये दो लोग थे। फिलहाल फॉक्स और क्रिस मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि उन्हें बिना गोली चलाए चुपके से उनके पास जाना होगा और फाइट करके उन्हें मौत की नींद सुलाना है।
फिलहाल दोनों कैप्टन चुपके से उनके नजदीक जाते हैं। फिर तालिबानी से उन लोगों की फाइटिंग शुरू हो जाती है। थोड़ी देर चली फाइटिंग के बाद दोनों तालिबानियों को ये लोग मौत की नींद सुला देते हैं। अभी ये सभी लोग यहाँ से आगे निकलते हैं। थोड़ी दूर जाने पर इन लोगों को अफीम का एक खेत दिखता है। यहाँ पर इन लोगों को किसी खतरे की आहट मिल जाती है। सभी सोल्जर्स अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। उसी पल तालिबानियों की एक गाड़ी आती है जिसमें लगभग 3 से 4 आदमी थे। एक के पास मशीन गन थी, बाकी के पास AK-47। अब ये लोग अमेरिकी सोल्जर्स पर गोलियां बरसाने लगते हैं। अमेरिकी सोल्जर्स भी जवाबी कार्रवाई में उनके एक आदमी को मारकर ढेर कर देते हैं। इसके बाद बाकी बचे 3 आदमियों को भी ढेर कर दिया जाता है। लेकिन उसी पल पीछे से एक और गाड़ी आती है जिसमें लगभग उतने ही लोग सवार थे। सील कैप्टन फॉक्स जानता था उन लोगों के पास ज्यादा गोलियां नहीं बची थी, इसलिए वह अकेले ही इन सभी लोगों से मुकाबला करने लगता है। वह इन लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाता है और उनके लगभग सभी आदमियों को मार देता है। लेकिन इस गोलीबारी में उसे भी कई गोलियां लग जाती हैं। एक मशीन गन चला रहे इस आतंकी को एलन गोली से उड़ा देती है। अभी वह सील कैप्टन फॉक्स जमीन पर पड़ा हुआ था जो अपने जीवन की आखिरी सांसें ले रहा था। वह क्रिस से कहता है कि मुझे थोड़ी अफीम खिला दो ताकि मेरा कुछ दर्द कम हो जाए। किटनर थोड़ी अफीम लाता है और उसके मुंह में निचोड़ देता है। इसके बाद वह क्रिस को हिम्मत देता है कि कभी भी पीछे मत हटना क्योंकि तुम एक जाबांज सोल्जर हो। इसके साथ वह उस लड़की अनूस की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी क्रिस के कंधों पर डाल देता है। वह कहता है मरते दम तक तुम इस लड़की की रक्षा करना और इसे बेस कैंप तक ले जाना। दोस्तों यहाँ पर ये लड़की इतनी इंपॉर्टेंट क्यों थी वो आपको आगे पता चल जाएगा। फिलहाल ये लोग अनूस को लेकर पास के एक नजदीकी गांव में जाते हैं जहां से उन्हें उम्मीद होती है कि कोई ना कोई मदद जरूर मिल जाएगी। यहां पहुंचकर ये लोग सुरक्षा का जायजा लेते हैं। इसी बीच एक घर से गन लिए हुए 2 आदमी बाहर आते हैं। कैप्टन क्रिस उन लोगों से हथियार फेंकने को कहता है लेकिन वे लोग अमेरिकी सोल्जर्स की भाषा नहीं जानते थे। इस वजह से खालिद अफगानी भाषा में उन्हें ट्रांसलेट करके बताता है। इसके बाद वे लोग उन लोगों से अंदर जाकर बात करने का ऑफर देते हैं। यहाँ वे लोग उन्हें चाय ऑफर करते हैं। इधर सोटो खिड़की के सहारे बाहर नजर रख रहा था क्योंकि ये जगह उन सोल्जर्स के लिए सेफ नहीं थी और उन लोगों के साथ वह लड़की भी थी जो अफगानिस्तान में तालिबानियों के बढ़ते जुर्म के मुद्दे को इंटरनेशनल फोरम में उठाने वाली थी। फिलहाल इस गांव में अमेरिकी सोल्जर्स के छिपे होने की खबर तालिबानियों को लग जाती है। तालिबानी AK-47 लहराते हुए गांव पर धावा बोल देते हैं। सभी अमेरिकी सोल्जर्स अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। उस लड़की को एक कोने में छिपा दिया जाता है और सभी को ऑर्डर्स दिए जाते हैं कि यह लड़की उन लोगों के हाथ ना लग पाए। क्रिस अपने सभी सोल्जर्स को प्लान बताता है कि उन लोगों को गोलियां चलाने देते हैं ताकि उनकी गोलियां और बारूद जल्दी खत्म हो जाए। इसके बाद हम लोग उन पर हमला करेंगे। कैप्टन क्रिस सोटो को बताता है कि तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, तुम दरवाजे पर रहोगे और किसी को भी अंदर मत आने देना। सोटो कहता है मैं एक तिनके को भी अंदर नहीं आने दूंगा। और अब गोलीबारी शुरू हो जाती है। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जा रही थी। 2-3 तालिबानियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इधर इन लोगों की तरफ से वे अफगानी लोग जो इन लोगों की मदद कर रहे थे वे भी दोनों मारे जाते हैं। अभी किटनर कमरे से बाहर आकर उनके बचे आखिरी आदमी को भी गोली मार देता है और कहता है कि अब कोई जिंदा नहीं बचा है। लेकिन इतने में एक तालिबानी RPG से उस कमरे को उड़ाने जा रहा है जहां सभी लोग मौजूद होते हैं। वह आदमी RPG फायर करता है लेकिन उस खतरनाक बारूदी नेट को सोटो अपने ऊपर ले लेता है और एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिसमें सोटो शहीद हो जाता है। फिलहाल ऐसा करने से उसने अपने बाकी साथियों की जान बचा ली थी। RPG ब्लास्ट से लगी आग और धुएं के बीच तालिबानी अनूस को उठा ले जाते हैं। फिलहाल सभी को सोटो के शहीद होने का गहरा दुख होता है। सभी गांव से बाहर निकल आते हैं और एक जगह रुककर आगे का प्लान बनाते हैं। हालांकि यहां से कैप्टन क्रिस अपने बचे साथियों के साथ वापस बेस भी जा सकता था लेकिन कैप्टन फॉक्स की बातें उसे याद आ रही थी। वह ठान लेता है कि वह एक बहादुर फौजी है और उस लड़की को बचा कर रहेगा। खालिद उसे उस जगह के बारे में बताता है जहां वो लोग अनूस को ले गए थे क्योंकि वो एक ऐसी जगह थी जहां तालिबानी लोग अपने खिलाफ बोलने वाले को पत्थर मार मार कर मार डालते थे। कैप्टन क्रिस अपनी टीम के साथ उस जगह पहुंच जाता है जहां एक आदमी अनूस को कहीं ले जा रहा होता है। खालिद बताता है यही वक्त है, नमाज शुरू हो गई है और जैसे ही यह खत्म होगी अनूस को पत्थर मार मार कर मार दिया जाएगा। फिलहाल सभी लोग सतर्क होकर आगे बढ़ते हैं। यहां ये आदमी अनूस को ले जाकर उसके हाथ बांध देते हैं। यहां पर एक और तालिबानी उसके सामने खड़ा होता है जो उसके सामने नमाज पढ़ने लगता है। इधर ये लोग देखते हैं उसके सामने एक आदमी बैठा हुआ था। वह आदमी नहीं जानता था कि उनके पीछे अमेरिकी सोल्जर्स आ चुके हैं। खालिद उसके पास जाकर उसे छुरा घोंप देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और आप सभी आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक उनके सामने 2 तालिबानी बंदूक लेकर आते हैं। कैप्टन क्रिस उन्हें गोली मारकर ढेर कर देता है।
लेकिन गोलियों की आवाज से सभी तालिबानियों को उनके आने की खबर लग जाती है। अब सभी बंदूक लेकर उनकी तरफ बढ़ते हैं। इधर कैप्टन क्रिस उस आदमी को गोली मार देता है जो चाकू से अनुस की हत्या करने जा रहा था। इधर बाहर सभी अमेरिकी सोल्जर्स उन तालिबानियों से गोलीबारी कर रहे थे। हालांकि तालिबानियों की संख्या बहुत ज्यादा थी, उनके पास काफी मात्रा में गोलियां थी। खालिद और किटनर एक जगह कई सारे आदमियों से गोलीबारी कर रहा था। शायद ज्यादातर तालिबानी उन दोनों की तरफ ही गोलियां चला रहे थे। किटनर और खालिद को लगता था अगर वे दोनों इन सबको इधर उलझाए रखेंगे तो कैप्टन क्रिस अनुस को लेकर यहां से निकल सकता है, लेकिन इस काम में उन दोनों की मौत होने के चांस ज्यादा थे। उधर कैप्टन क्रिस अनुस को एक गाड़ी में बिठाकर वहां से निकल जाता है। उसके साथ में एलन भी होती है, क्योंकि सारे तालिबानी इधर ही गोलियां चला रहे थे और उधर का रास्ता खाली था। अब किटनर और खालिद इन लोगों से लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। उन्हें काफी ज्यादा गोलियां लग चुकी थी। रास्ते में होने के दौरान कैप्टन क्रिस और एलन दोनों जानते थे कि अब उन दोनों के सिवाय उनकी टीम में कोई नहीं बचा था, और यही एक सोल्जर्स की जिंदगी होती है। उन दोनों के चेहरे पर अपने साथियों को खोने का गम साफ झलक रहा था। कैप्टन क्रिस गाड़ी लेकर बेस तक पहुंच जाता है। क्रिस और एलन बेस आकर सार्जेंट से मिलता है। हालांकि सार्जेंट को भी अपने सोल्जर्स खोने का गम होता है। सार्जेंट अनुस को लेकर अंदर जाने लगता है। इस दौरान अनुस पीछे मुड़कर कप्तान क्रिस की तरफ मुस्कुराती है और ये मुस्कुराहट बताती है सोल्जर्स की जिंदगी क्या होती है जब उनके सामने ही अपने साथियों की लाशें पड़ी होती हैं। समंदर से भी बड़े और गहरे दुख को अपने साथ लेते हुए ये लोग अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं। इस तरह ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मिलता हूँ फिर से एक और कहानी के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।